हाय, आज हम जीटा पोटेंशियल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जीटा पोटेंशियल के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि जीटा पोटेंशियल आया कैसे, इसका अस्तित्व कैसे बना। तो उसके लिए आपको जानना होगा इलेक्ट्रो डबल लेयर फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि जीटा पोटेंशियल तभी अस्तित्व में आएगा जब इलेक्ट्रो डबल लेयर फॉर्म होगा। तो इसके लिए आपको जानना होगा इलेक्ट्रो डबल लेयर कैसे फॉर्म होगा बिफोर वी आर गोइंग टू नो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रो डबल लेयर फॉर्म होने के लिए आपको जानना होगा कि पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसे आएगा। एक बार चार्ज आने के बाद ही दो लेयर फॉर्म होंगे, तो हमें पहले जानना होगा हाउ द पार्टिकल विल गेन चार्ज। सो सोचो कि आपके पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आपके पास एक बीकर है जिसमें वाटर है और इसमें आयंस है Na+Cl-। तो अब ये पार्टिकल अब यहाँ वाटर में डालोगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है वाटर में जाने के बाद इस पे चार्ज आएगा। ये चार्ज आने के बाद ही आपको इलेक्ट्रो डबल लेयर आने, तो आपको जानना होगा चार्ज कैसे आएगा उस पे। तो तीन तरीके हैं पार्टिकल के ऊपर चार्ज आने के, देयर आर थ्री मेथड्स बाय विच पार्टिकल विल गेट चार्ज आने। तो फर्स्ट मेथड इज एडजॉर्प्शन ऑफ, मैंने बोला आपको कि पानी था उसमें आयंस थे, तो आयंस जाके पार्टिकल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए। रिमेंबर यहाँ पर आपको एक ध्यान देना होगा कि आप जो भी पार्टिकल डाल रहे हो वो इधर नैनो हो या कोर्स पार्टिकल, या सस्पेंशन हो या नैनो हो, नैनो पार्टिकल हो या कोर्स पार्टिकल हो, इट शुड बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। द पार्टिकल शुड बी इनसॉल्यूबल इन वाटर, देन ओनली वी गेट डबल लेयर एंड जीटा पोटेंशियल। द पार्टिकल इज गेट सॉल्यूबलाइज, वी गेट आयंस देयर एंड वी गेट नस्ट पोटेंशियल, वी डोंट गेट जीटा पोटेंशियल। तो पार्टिकल अगर सॉल्यूबल हो जाएगा तो आपको जीटा पोटेंशियल नहीं आएगा, नस्ट पोटेंशियल आएगा। हमें जीटा पोटेंशियल चाहिए तो हम चाहते हैं कि पार्टिकल इनसॉल्यूबल रहे। तो अब ये इनसॉल्यूबल पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, तीन तरीके से चार्ज आएगा। जो भी यहाँ पर साल्ट्स, अब मैंने बोला आपको इस पार्टिकल को आप लिक्विड में डालोगे तो उस लिक्विड में जो भी सॉल्यूबल साल्ट्स होंगे या वो साल्ट्स आयंस रूप फॉर्म में होंगे तो वो आयन जाके इसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे। सोचो कि सोडियम जाके एडजॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन जाके एडजॉर्ब हुआ तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एडजॉर्प्शन के वजह से उसके ऊपर चार्ज आएगा, एडजॉर्प्शन ऑफ व्हाट, आयंस। सेकंड चांस, थ्री केस में या तीन केस में इसमें पार्टिकल के ऊपर चार्ज आएगा, केस वन, केस टू, केस थ्री। सो केस वन है एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल। केस टू है जो भी फंक्शनल ग्रुप उस पार्टिकल, सोचो कि पार्टिकल इज मेड अप ऑफ लेट्स से बेंजोइक एसिड और सम फंक्शनल ग्रुप विच इज़ नॉट सो मच सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज़ ओनली पार्शियली आयोनाइजेबल, नॉट फुल्ली आयोनाइजेबल इन वाटर। तो क्या होगा, सोचो कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, जैसे आप इसको पानी में डालोगे ये पार्टिकल जो बना है उसका नेचर में, मतलब उसके केमिकल में ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप आपके सरफेस पर रहेंगे जब आप पार्टिकल्स को पानी में डालने की कोशिश करोगे तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आयनाइज होगा, पूरा नहीं पार्शियल होगा, मैं जो आयनाइज है वही दिखा रहा हूँ। ओके, CH- और H+, CO- and H+ में आयोनाइज होगा, जैसे ही वो माइनस होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। आप सोचो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल, जिस तरह के फंक्शनल ग्रुप पार्टिकल सरफेस के ऊपर है, जैसे वो आयनाइज होंगे वो पार्टिकल इधर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज गेन करने की कोशिश करेगा। तो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। सो फर्स्ट मेथड इज एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, सेकेंड मेथड इज आयोनाइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, थर्ड मेथड इज एक लिक्विड को एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, एक एक लिक्विड को सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, तो वो जैसे आप सॉलिड लिक्विड में डालोगे
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉलिड का भी अलग होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का भी अलग होगा। ये डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, चार्ज इम्पार्ट करने की कोशिश करेगा। क्या, कौन सा चार्ज इम्पार्ट करने की कोशिश करेगा, डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दैट डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल ट्राई टू इम्पार्ट चार्ज ऑन द पार्टिकल। सो थर्ड मेथड इज डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये लीस्ट मेथड है, ये उतना अस्तित्व में नहीं आएगा। मेनली पार्टिकल को चार्ज मिलेगा ये दो मेथड से, इधर एडजॉर्प्शन ऑफ आयन्स है या उसके खुद के फंक्शनल ग्रुप आयनाइज होने की वजह से इस पार्टिकल को चार्ज मिलेगा। अब सोचेंगे हम कि पार्टिकल को चार्ज मिला, अब चार्ज मिलने के बाद डबल लेयर फॉर्म होगा, डबल लेयर फॉर्म होने के बाद जीटा पोटेंशियल अस्तित्व में आएगा। कैसे आएगा, कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो यही पार्टिकल मैं यहाँ लूँगा एंड सोचो मैं पार्टिकल जैसे पानी में डाला, पानी में मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो हम सोचते हैं, वी अज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज गेट अब्सॉर्ब ऑन द पार्टिकल। जो भी पॉजिटिव आयन्स है पार्टिकल सरफेस के ऊपर अब्सॉर्ब होंगे। पहले कहते हैं लिक्विड था, लिक्विड में पार्टिकल और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। हम सोचेंगे कि उस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉजिटिव चार्ज अब्सॉर्ब हो रहा है द सरफेस ऑफ द पार्टिकल। जैसे पॉजिटिव चार्ज अब्सॉर्ब हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आपको नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव चार्ज अलॉन्ग विद दिस नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने तरफ फिर पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा। लेकिन इस बार थोड़े ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ना कि उतने जितने नेगेटिव चार्ज खींचे आए। तो क्यों, क्योंकि जो भी ज़्यादा मोर अमाउंट में जो भी पॉजिटिव चार्ज नज़दीक आएंगे, ये जो अब्सॉर्ब हुए हैं ये उनको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़े ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ये पूरा क्या होगा, एक लेयर फॉर्म होगा, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पूरा मिलके एक लेयर फॉर्म होगा। इस लेयर को हम बोलते हैं टाइटली बाउंडेड लेयर। क्यों इसको बोलते हैं टाइटली बाउंडेड लेयर, सोचो कि ये पार्टिकल है, सोचो कि ये लेयर है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी वो लेयर है, मेरा हाथ को सोचो कि वो लेयर है, तो ये लेयर इसलिए टाइटली बाउंड होगा। जब आप पार्टिकल को मूव करने की कोशिश करोगे, ये लेयर भी उसके साथ मूव होगा, इसलिए उसको टाइटली बाउंडेड, दिस लेयर इज टाइटली बाउंडेड टू द पार्टिकल। तो अब पार्टिकल सर्फेस कहाँ आया, ओरिजिनल सर्फेस नहीं है, एक्चुअली पार्टिकल सर्फेस, सोचो कि ये लेयर का नाम ये दूंगा मैं, ओके, एक्चुअली सर्फेस ऑफ द पार्टिकल इज बीन शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ ये लेयर भी मूव कर रहा है, तो अभी न्यू सरफेस आ गया पार्टिकल को, कौन सा, ये, ना कि ये, पहले ये था टाइटली बाउंडेड लेयर फॉर्म होने की वजह से, अब ये न्यू सरफेस है, ना कि ये वाला, ये वाला, तो इसका बोलते हैं टाइटली बाउंडेड लेयर। ओके, अब इस लेयर का चार्ज क्या है देखेंगे। अब दो पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब्सॉर्ब हुआ, उसने नेगेटिव को खींचा, फिर ये नेगेटिव थोड़े पॉजिटिव को अपने तरफ खींचे, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा। अब गिन लो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है, ना कि नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज एट दिस लेयर, ओके, इस लेयर के पास ओवरऑल चार्ज, मतलब यहाँ पर ये सरफेस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव, ओके, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है। अब नेक्स्ट लेयर फॉर्म होगा यहाँ पर, कैसे होगा, अब ओवरऑल पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होके ये एक लेयर फॉर्म होगा। इस लेयर को हम बोलते हैं शियर लेयर और स्टर्न लेयर, स्टर्न लेयर।
अब ये लेयर का नाम शियर लेयर क्यों आया, क्योंकि सोचो कि ये आपका ये आपका पार्टिकल है, ये टाइटली बाउंडेड लेयर है, ये आके शियर लेयर है। तो जब पार्टिकल मूव होगा तो क्या होगा, ये शियर लेयर ऐसे घूमता रहेगा, इससे टाइटली बाउंडेड नहीं रहेगा, ये शियर करता रहेगा ऐसे, इसलिए उसका नाम शियर बोल के आए। एंड इस प्लेन को हम शियर प्लेन बोलते हैं, ये प्लेन को हम शियर प्लेन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो रगड़ खाता रहता है, ये लेयर सेकेंड लेयर। अब जैसे पार्टिकल को आप मूव करोगे तो शियर लेयर टूट जाएगा, सिर्फ टाइटली बाउंडेड लेयर मूव होगा पार्टिकल के साथ। जैसे ही पार्टिकल स्टेबल होगा, मूवमेंट पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप होगा, फिर शियर लेयर फॉर्म होगा। जैसे पार्टिकल मूव होगा शियर लेयर चला जाएगा, पार्टिकल स्टॉप होगा तो शियर लेयर फॉर्म होगा। तो शियर लेयर का सरफेस को मैं बी बोल के रिप्रेजेंट करूँगा। फिर इसके बाद जो लेयर आएगा उस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयांस रहेगा, तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयांस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस लेयर में आपको चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल, इसलिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। इस लेयर को हम बोलते हैं, मतलब जो भी रीजन वहाँ पर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। अब ये जो दो लेयर फॉर्म हुए हैं इसको हम बोलते हैं डबल लेयर, ऐसे आपको डबल लेयर आएगा। तो हमने जान लिया पार्टिकल को चार्ज कैसे आया, फिर वही पार्टिकल को डबल लेयर कैसे आया, अब हम देखेंगे जीटा पोटेंशियल क्या है। तो जीटा पोटेंशियल आपको पहले जानना होगा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर चार्ज कितना है और यहाँ पर चार्ज कितना है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जीटा पोटेंशियल का मतलब है जो भी टाइटली बाउंडेड लेयर है, क्योंकि पार्टिकल जैसे मूव होगा ये लेयर भी उसके साथ मूव होगा, इसलिए हम टाइटली बाउंडेड लेयर का प्लेन जो भी शियर प्लेन है इसको हम बोलते हैं शियर प्लेन, और यू कैन से फ्रॉम द सरफेस ऑफ टाइटली बाउंडेड लेयर। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन तक, यहाँ पर तो कुछ चार्ज नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या है, जीटा पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, शियर प्लेन और टाइटली बाउंडेड लेयर, कैसे भी बोलो आप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टाइटली बाउंडेड लेयर एंड इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन, खत्म, इसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। अब इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ आपको दो फार्मुलेशन में ज़्यादा आप देखने को मिलेगा, एक होगा कोलाइड्स, दो होगा सस्पेंशन। सो कोलाइड्स का मतलब क्या है, जो भी पार्टिकल नैनो साइज में है, सोचो कि दो कोलाइड्स हैं, ओके अब या ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, सोचो कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरा पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब क्या है, इसका जीटा पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब ये अपना चार्ज को ज़्यादा दूर तक इन्फ्लुएंस करेगा, याद रखा है बात, जीटा पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब ये पार्टिकल अपने चार्ज को ज़्यादा दूर तक इन्फ्लुएंस करेगा, जीटा पोटेंशियल कम है मतलब ये पार्टिकल अपने चार्ज को कम डिस्टेंस पे ही इन्फ्लुएंस करेगा। तो कैसे आप उसको देख सकते हैं, सोचो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो ये दूर से ही रिपेल करेंगे, दोनों को नज़दीक नहीं आएंगे, इतने दूर से ही रिपेल करेंगे, बहुत दूर से यहीं पर रिपेल कर देंगे, ऐसे जैसे ऐसे आएंगे रिपेल हो जाएंगे। अगर उनका जीटा पोटेंशियल कम है क्योंकि वो कम डिस्टेंस पे इन्फ्लुएंस करेंगे तो यहाँ आके रिपेल होंगे, जीटा पोटेंशियल याद रखो, जीटा पोटेंशियल अगर कम है तो नज़दीक आएंगे वो और रिपेल होंगे, जीटा पोटेंशियल ज़्यादा है तो दूर से ही रिपेल करेंगे। तो कोलाइड्स को आप चाहते हो कि जो सोचो कि दो डॉट्स जो देख रहे हो कोलाइडल पार्टिकल है, ये पार्टिकल आप चाहते हो कोलाइड्स में, कि नैनो पार्टिकल को आप तभी नैनो बोलोगे जब उसका पार्टिकल साइज नैनो रेंज में होगा। अगर वो नज़दीक आके एग्रीगेशन फॉर्म करेगा तो जो भी एग्रीगेटेड पार्टिकल है वो नैनो से भी ज़्यादा होगा, उसका पार्टिकल साइज नैनो रेंज से भी ज़्यादा होगा, तब उसको हम नैनो पार्टिकल नहीं बोलेंगे, कोलाइड नहीं बोलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके कोलाइड पर
ज़्यादा जीटा पोटेंशियल हो. कोलाइडर इज स्टेबल ओनली वेन दे हैव मोर जीटा पोटेंशियल, स्पेशली लायोफोबिक कोलाइड. लायोफिलिक के ऊपर तो साल्वेंट शीत रहेगी, वो उसको स्टेबलाइज करेगी, लेकिन लायोफोबिक कोलाइड पे चार्ज रहना चाहिए एंड उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस से रिपेल करेगा और नज़दीक भी नहीं आएंगे, तो इंडिविजुअल पार्टिकल के तरह रहेंगे और वो स्टेबल कोलाइड कहलाएगा. एंड सस्पेंशन में हमारे पास दो सस्पेंशन है, कौन से, फ्लॉक्युलेटेड और डीफ्लॉक्युलेटेड. तो आप कहाँ पर जीटा पोटेंशियल ज़्यादा चाहोगे, सच और क्या जीपैट क्वेश्चन है, इन विच केस देर इज मोर जीटा पोटेंशियल, डीफ्लॉक्युलेटेड और फ्लॉक्युलेटेड. ऑब्वियसली डीफ्लॉक्युलेटेड, क्यों, क्योंकि डीफ्लॉक्युलेटेड का मतलब क्या है, दो पार्टिकल अलग अलग हैं, फ्लॉक्यूल नहीं बने हुए, अलग हैं. तो जब पार्टिकल अलग रहना चाहते हैं तो आपका जीटा पोटेंशियल आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि वो दूर से रिपेल करेंगे. अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल फ्लॉक्यूल बने तो आपको उसकी जीटा पोटेंशियल घटाना होगा. आप अपोजिट चार्ज डाल के सोचो कि पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल रहता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डाल के आप उसको घटाओगे जीटा पोटेंशियल. तो जैसे जीटा पोटेंशियल घटेगा वो नज़दीक आएंगे और फ्लॉक्यूल फॉर्म करेंगे. तो अब याद रखो, फ्लॉक्यूलेशन के लिए आपको जीटा पोटेंशियल कम चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव कम चाहिए. डीफ्लॉक्यूलेशन में पॉजिटिव हो या नेगेटिव जीटा पोटेंशियल आपको ज़्यादा चाहिए, कुछ भी हो आपको ज़्यादा जीटा पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के नज़दीक ना आ पाए. सेम इन केस ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स को भी आप चाहते हो कि वो इंडिविजुअल रहे, आप चाहते हो उनका जीटा पोटेंशियल ज़्यादा रहे. तो ये है मेरी कोशिश जीटा पोटेंशियल समझाने की. तो एक मेरा सब्सक्राइबर है, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मयांक बोल के. उसने मेरे, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, आप मुझे एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो, वन मंथ से पीछे पड़ा था. ओके, तो फाइनली मैं ये कर पाया. एक्चुअली वीडियो लेट आने का रीज़न है, हेल्थ इश्यूज़ थे एंड और थोड़े काम थे मुझे कॉलेज में, तो इसलिए लेट हुआ. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू.